नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से उस वक्त दहल गई जब कांजवाला में एक ऐसी दर्दनाक और बर्बरता भरी घटना सामने आई जिसने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को दहला कर रख दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि नशे में चूर चूर पांच युवकों ने जिस तरह से अपनी कार में फंसी युवती की बेरहमी से जान ले ली। जी हाँ, आपको बता दें कि इस केस को लेकर लगातार हर कोई मांग कर रहा है कि इस केस के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी आपको बता दें कि कांजरवाला मामले में पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। स्पेशल सीली लॉ एंड ऑर्डर एसपी हुड्डा ने मंगलवार को कहा कि युवती का पोस्टमार्टम किया जा चुका है और अब रिपोर्ट सामने आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि पीड़िता के परिवार की ओर से ये शक जताया गया था कि शायद पीड़िता के साथ दुष्कर्म या फिर कोई ऐसी अनहोनी घटना हुई है। दरअसल आपको बता दें कि पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ किसी भी तरह का कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। युवती की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके निजी अंगों पर चोट के कोई निशान नहीं होने की बात सामने आई थी। हालांकि अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म जैसी कोई चीज नहीं हुई है। हालांकि पीड़िता को कई यहां पर गहरी चोटें लगी हैं, तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अब एक बार फिर से सभी आरोपियों के लिए मांग हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस से लेकर आम आदमी पार्टी और साथ ही कई विपक्षी नेता अब केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। साफ तौर पर सवाल यही उठ रहा है कि 10 से 12 किलोमीटर तक उस युवती को कार सवार पांच युवक घसीटते रह गए, लेकिन आखिरकार किसी ने देखा क्यों नहीं। शक के घेरे में दिल्ली पुलिस सभी आ रही है। नए साल के मौके पर जब हर जगह कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए थी, ऐसे में आखिरकार दिल्ली पुलिस को कैसे इस बात का पता नहीं चला। सीसीटीवी फुटेज भी लगातार सामने आ रही है। वहीं अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से परिवार ने जो आरोप यहां पर लगाया था वो कहीं ना कहीं खंडित होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इस केस में पांचों आरोपियों का गुनाह कम नहीं हो रहा। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार अब दिल्ली हिट एंड रन केस में क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।